अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। और कल भी आप सब मेरे से बहुत हर्ट हो गए, और बहुत से लोग, सब नहीं, बहुत से लोग हर्ट हो गए। लेकिन थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप मेरे से नाराज़ नहीं हुए हैं। और आप हर्ट हुए हैं तो आपसे मैंने कमेंट के रिप्लाई में भी बात की थी, बहुत से आप मेरे से अंडरस्टैंड कर गए थे, थैंक यू सो मच। और जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, जिनको बाद में मैं नहीं रिप्लाई कर पाई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, जो जो पॉइंट्स थे ना उन पर बात करेंगे। मैंने एक्चुअली क्या किया, कल कम्युनिटी में मैंने एक चैनल एस जे रिएक्शन, शु गुप्ता सिस्टर है चैनल ओनर, उनका मैंने चैनल ना प्रमोट किया। तो अब प्रमोट क्यों किया, पहले उस तरफ आ जाते हैं और ना उसके बाद फिर जो कंसर्न्स थे ना आप सबके, उस तरफ आ जाते हैं। तो प्रमोट मैंने इसलिए किया कि ना अभी कुछ वीक्स पहले ना उनकी एक वीडियो मेरे सामने रेकमेंडेड में आई यूट्यूब पे ना, तो उसमें उन्होंने मेरे बारे में बात की हुई थी। और दूसरा चैनल है, दूसरा एक चैनल है, उनके बारे में उन्होंने बात की, और वो भी वेल रिप्यूटेड चैनल है, अच्छी, अच्छा वो व्यूअरशिप है उनकी। तो बेसिकली ना क्या हुआ कि मैं ना क्या करती हूँ कि कमेंट्स अक्सर लेके ना तो एज इट इज टाइटल में लगा देती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं अपनी बात करती हूँ। जैसे मैंने कल ही वीडियो लगाई जिसमें मैंने कहा कि शहजाद इसलिए मुझे, मेरे लिए सपोर्टिव है क्योंकि मैं पैसे कमा के उनको खुश करती हूँ, या कुछ ऐसे करके ना, तो उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया हुआ था। तो वो क्लिक बेट टाइटल नहीं होता, वो बेसिकली कॉमेंट होता है, और उसके नीचे मैं फिर अपना अंदर वीडियो में बात कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैंने एक कॉमेंट पोस्ट किया कि जो डर्टी फैमिली पॉलिटिक्स है उसकी वजह से हमारे व्यूज कम हो जाते हैं। तो उसमें मैंने अंदर बात की कि नहीं, हमारे व्यूज कम नहीं होते जिन्हें हमारे वीडियो देखनी है, सारा एटसेट्रा एटसेट्रा मैंने सारी बात की। तो उसमें से ना, अब ये जो फैमिली इशू है ये कोई एक दो फैमिलीज के नहीं चल रहे, इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 18+ फैमिलीज हैं जिनके इश्यूज चल रहे हैं। कुछ ज्यादा हाइप हो जाती है जिनकी, पकड़ी जाती है किसी चैनल्स की, कई चैनल्स की तो कईयों की नहीं पकड़ी जाती, लेकिन बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मैंने जनरल बात की थी, तो उनको पर्सनल अपने ऊपर लगा, उन्होंने ना रिस्पॉन्स में चैनल अपने अपने, वो भी पूरी फैमिली ने ना बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, मुझे आप सब नहीं बताया कि वो लोग आपके बारे में अब बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने उनमें से किसी की भी वीडियो का, फिर मैंने देखी उनकी वीडियो, और पहली बात तो उन्होंने भी अच्छे तरीके से तमीज से बात की थी, किसी ने भी मतलब यानी कि अपना आप उन्होंने दिखाया, तमीज से बात की। तो मैंने लेकिन किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे लोगों ने कहा कि आप इनको जवाब दें, जो भी आपको बेहतर लगता है आप दें। मैंने नहीं दिया इसलिए कि मैंने उनके लिए तो बनाई नहीं थी, तो अब मैं भी जवाब दूं फिर वो कहेंगे वो अच्छा हम गलत समझ गए सॉरी, फिर मेरे को नहीं आप गलत समझ गए तो मैंने ऐसे कह दिया सॉरी, जो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने उन्हें टारगेट ही नहीं किया। अच्छा खैर, आई जस्ट लेफ्ट ओवर इट और बात खत्म हो गई। उन्होंने एक दो वीडियोस बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं बनाई। अच्छा, तो उन्हीं दिनों में कहीं पे ना ये शगुफ्ता जो है इन्होंने वीडियो बनाई मेरे पे और उस चैनल पे ना, तो लेकिन जो अच्छी बात थी, उन्होंने दोनों चैनल्स की साइड से ना उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया, दोनों चैनल्स को वो रिस्पेक्ट देती हैं, किसी एक को टारगेट करके बुरा कह के दूसरे को अच्छा नहीं कहा, दोनों को उन्होंने रिस्पेक्ट दे के बात की, जो कि उनकी बात मुझे पसंद आ गई। कि मतलब अगर उन्होंने मेरे बारे में ये बोला कि नहीं मैं ऐसी हूं नहीं, मैं किसी को टारगेट करती नहीं हूं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे चैनल के बारे में बुरा बोलती गई। उन्होंने कहा मैं उनको भी देखती हूँ, मुझे वो भी बड़ी पसंद है और वो भी बड़ी रिस्पेक्टेबल है, और वो मिसअंडरस्टैंड कर गई है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि अगर नौशे वीडियो देख रही हैं और तो उन्हें चाहिए कि वो क्लियर कर दें, अपोलोजाइज कर दें अगर उन्होंने इस तरह से बात की है, तो जो उन्हें लगता है ऐसे कर दें। तो मतलब मुझे उनका तरीका अच्छा लगा। उसके बाद ना मैंने उनकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी, तो मैंने देखा कि आजकल जो फैमिली इशू चल रहा है जो यासीन फैमिली का, तो उसमें ना उनका भी अपना एक ओपिनियन है। और लेकिन ओवरऑल मैंने ये देखा है कि वो उनको जो सच लगता है, अब देखें जो सच है जो नहीं है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं ना, तो हम बीइंग ह्यूमन हम लोग एक समझ जाते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, हो सकता है कि जो हम सच समझे वो नहीं है, जो हम झूठ समझे वो सच, व्हाटएवर, लेकिन उनको जो लगता है ना कि जो सही है वो उसके साथ खड़ी हो जाती है और बस वो अपना ओपिनियन देती हैं। तो मुझे इस वजह से ना उनकी वीडियो अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इनके जो है ना जिस तरह से इनका बात करें, फिर बात करने का तरीका अच्छा है, अपनी वीडियो पे मेहनत करती हैं, और तो मैंने इस वजह से ना मैंने उनको पूछा उनके कमेंट सेक्शन में जाके कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी कम्युनिटी में आपकी पोस्ट लगा दूं आपके चैनल के बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ जी लगा दें, तो मैंने फिर लगा दी। तो ये हुआ था।
अच्छा, अब जो आपके कंसर्न्स आए थे, सबसे पहले तो आप सारे इतने प्यारे हैं यार कि आप दुखी हो गए इस बात से कि नौश क्यों इस बात में आई है। यकीन करें मैं इस फैमिली इशू में नहीं आई हूँ। ये नहीं कि मैं उस फैमिली में इन्वॉल्व होना चाह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत से आगे आई हूँ, मैं अपनी मेहनत ही करती रहूंगी। लेकिन मैंने ना शगुफ्ता को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि मेरा दिल किया। ठीक है, कुछ कॉमेंट्स ये भी आया कि नौश आपको कभी हमने शाउट आउट नहीं देते देखा, आज आपने शाउट आउट दिया है तो आपने रिएक्शन चैनल को दे दिया। तो शाउट आउट तो मैं कब से देती आ रही हूँ, मैं जब सऊदी अरब में थी आज से 2 साल पहले की बात है, तो मैंने एक दफा 26 चैनल्स को इकट्ठे पकड़ के शाउट आउट दिया था अपनी एक वीडियो में। एक एक चैनल पे गई थी, खुद ही मैंने चूज किए वो चैनल्स जो मुझे कमेंट्स करते थे ना कि प्लीज हमारी वीडियोस को प्रमोट कर दे, हमारे चैनल को प्रमोट कर दे। मैं उनके चैनल्स पे गई और मैंने जाके उनकी वीडियोस देखी, मुझे जो जो लगता था कि जो जो फॉल्ट है या जो जो कमी बेशी सी है तो मैंने उनको गाइड किया अपनी वीडियो में, सबके मैंने चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। और आप सारे ऐसे हैं कि आप सबने उनको इतना सपोर्ट किया कि उनमें से जितनों की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी ना, आपने एक दिन में उनकी किसी के वॉच आवर्स पूरे करवाए, किसी के आपने जो है वो सब्सक्राइबर्स पूरे कराए। कमाल है आप लोग, आप सबने उन सबको मतलब एक उनका ना बेड़ा पार करवा दिया। अल्लाह ताला आपको उसकी जजा दें। अच्छा, ये मैंने किया, फिर एक बार मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को लेके तो कोलैबोरेशन वीडियो बनाई जिसमें हमने अपने अपने घर में अपनी अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर की, और फिर मैंने उन सब की वीडियो लिंक्स लेके अपनी वीडियो में शेयर किए, खुद भी क्लीनिंग रूटीन बना के। तो मैंने कहा आपने बाकी ये चैनल्स हैं इनकी भी क्लीनिंग रूटीन देखें, हर घर का अपना डिफरेंट हिसाब किताब होता है तो आपको मजा आएगा, सबकी क्लीनिंग रूटीन मॉर्निंग में कैसी होती है आप देखें। तो उस तरह से मैंने उनको प्रमोट करने के लिए किया। लेकिन उसके बाद उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही चैनल था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा जब दूसरा भी चैनल हो गया, फिर ग्रोथ हो गई चैनल की, तो मेरे पास ना इतना टाइम रहा, ये आई थिंक मैं 2-2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो अब माशाल्लाह से काम ही इतना ज्यादा होता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं, स्पेशली दुबई आने के बाद तो शदाद के शुरू में बिजनेस नहीं था, जॉब नहीं थी, तो वो मुझे सारा कुछ खुद ही करना था इनकम का ना, तो मेरे पास टाइम नहीं फिर बचा। अब हाँ मैं ये जरूर कर देती हूँ कि कोई चैनल जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं उनके बारे में या तो वीडियो में बात कर देती हूँ या कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ। कम्युनिटी वाला आई थिंक ज्यादा सही रहेगा हमेशा, क्योंकि ना वीडियो में बात करके फिर लिंक भी अलग से डिस्क्रिप्शन में वहां जाके चैनल पे लिंक लाना पड़ता है। कम्युनिटी में यह है कि एक उनकी वीडियो ली, डायरेक्ट शेयर करके उसके बारे में चैनल के बारे में लिख दिया। अच्छा खैर, आगे भी मैं इंशाल्लाह ऐसे करती रहूंगी। सो जो जिनको ये कंसर्न था कि मैं शाउट आउट नहीं देती, तो उनको तो ये रिस्पॉन्स है। आई थिंक वो नए होंगे ना सब्सक्राइबर्स, तो इसलिए उन्हें नहीं पता। कुछ का ये था कि आपने, लगता है नौश ने पैसे लिए होंगे, नहीं तो नौश क्यों इनको प्रमोट करेंगी। तो उन्होंने तो मुझे कहा भी नहीं था कि मुझे प्रमोट करें। उनके मैंने जब वीडियो देखी थी तो उनको मैंने थैंक यू किया था, अप्रिशिएट किया था, तो उन्होंने वो बहुत खुश हुई थी और उन्होंने मुझे थैंक यू कर दिया। उसके बाद एक दो वीडियोज पे मैं उनके लिए रिप्लाई करती थी कि मुझे लगता था कि यार मतलब अल्लाह ताला मेहनत करेंगे ना वो, तो अल्लाह ताला सिला देंगे, तो हम दुनिया में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो मैं क्यों ना इसमें अपना रोल प्ले करूं कि बहुत मेहनत सर फेंक के बस मेहनत करेंगे अपनी। तो अब रिएक्शन चैनल्स अच्छे होने हैं या बुरे हैं, क्या है क्या नहीं, इस पर भी मैं आज बात करूंगी, सारे रिएक्शन चैनल्स पर ना आज मैं बात कर दूंगी। तो मैं इस चीज से नहीं डरती हूँ रिएक्शन चैनल्स का भी। आपने कहा कि आप डरें कि अगर वो आपके बारे में वीडियो बनाएंगे, तो मैं उस बारे में भी बात करूंगी। अच्छा खैर जी, ये बात हुई, तो एक मेरी साथ की कॉल आई जा रही है, मुझे ना फिर बात भूल जानी है। खैर, तो मैंने फिर उनको अपने चैनल पे प्रमोट कर दिया। अच्छा खैर, हाँ ये पैसों, हाँ पैसे लिए होंगे, तो पैसे बिल्कुल भी नहीं मैंने लिए, उन्होंने तो मुझे शाउट आउट का कहा भी नहीं था। मैंने खुद से उनसे पूछा कि मैं आपके चैनल को शाउट आउट दे लूँ, अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर लूँ, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर लें, तो फिर मैंने पोस्ट कर दिया। बस इतनी सी बात हुई है कि कोई पैसे ऐसे कोई मामला ऐसा है ही नहीं, और मैं किसी से भी पैसे नहीं लेती, आपको पता है यार, मैं नहीं लेती हूँ किसी से कोई। मुझे खुद भी एक वो भी जमाना आया था जिसमें ना यूट्यूबर्स पेमेंट लेके तो प्रमोट करती होती थी, उस वक्त मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे कि प्लीज आप ही आप बता दें आप कितने पैसे चार्ज करें, आप हमारा चैनल प्रमोट कर दें, जितने आप कहेंगे हम आपको देंगे। तो मैं इतना अपसेट हुई ना इस तरह के कमेंट से कि भाई बेचारे, एक तो इनके अपने चैनल चल नहीं रहे हैं, तो दूसरा ये पैसे दे दे के प्रमोट कराएं। तो हालांकि मैं इस हक में नहीं थी कि पैसे लेके, तो लेकिन मैंने उस वक्त उन यूट्यूबर्स का एहसास नहीं किया कि जिनकी अच्छी ग्रोथ हुई और जो पैसे चार्ज कर रहे हैं वो मेरे मतलब कलीग्स हैं, वो मेरे दुश्मन बन जाए। लेकिन मैंने वीडियो बना दी और मैंने कहा कि जी ये तरीका गलत है, लेकिन चले इनकम का एक जरिया उनके लिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं मतलब जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी अपनी फैमिली है, मैं उनसे पैसे कैसे चार्ज कर सकती हूँ, सो मैं ऐसे ही प्रमोट करती होती हूँ, ये चीज थी। अच्छा, अब ना एक और कंसर्न ये आया था कि नौश आप ना इस चीज में नहीं पड़े,
हाँ, पहले मैं एक और टाइप के कमेंट्स का रिप्लाई कर दी, वो ये था कि आप अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दें। तो डिलीट मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे उन्होंने तो नहीं कहा कि प्रमोट करें, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप उनके वीडियो पे जाके देखें ना, जो मैंने जिस वीडियो को मैंने शेयर कर दिया, वो उनकी उस वक्त तक की लास्ट वीडियो थी, वही मैंने उठाई और शेयर कर दी। आप उस वीडियो पे जाके देखें, उसमें मैंने उनसे पूछा हुआ कि मैं आपकी वीडियो को शेयर कर लूँ, मैंने उन्होंने नहीं मुझे कहा हुआ। तो फिर अब मैं खुद ही उनको ये कह के उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूँ उनकी और पोस्ट डिलीट कर दूं, तो क्या उनका दिल नहीं दुखेगा, मतलब ये चीज है। तो इसलिए मैं वो पोस्ट डिलीट नहीं मैंने की। अच्छा, और दूसरी बात फिर क्या थी कि आप इस मामले में ना पड़े नौश। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि वो फैमिली पॉलिटिक्स अलग लेवल की हुई पड़ी है, मैं उस मैटर में नहीं पड़ रही हूँ। और जो मुश्किल में अल्लाह ताला की मुश्किल आसान करें, जो दुख में अल्लाह ताला के दुख दूर करें, और जो ट्रबल में अल्लाह ताला की ट्रबल्स दूर करें। फैमिली थी, प्यार मोहब्बत से रहती, तो क्या हो गया, फैमिली सारी बिखर गई, तो दुख ही होता है। खैर, अब आते हैं इस तरफ कि मैं उस मामले में पड़ी हूँ। नहीं नहीं, मैं उस मामले में नहीं पड़ी। पता है गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि मैंने जब उनसे कहा ना मैं आपके चैनल को अपने कम्युनिटी में पोस्ट करूँ, तो मुझे चाहिए था कि मैं उनसे कहती कि आप अपनी पिक्चर या जो भी पिक्चर आपको बेहतर लगती है आप मुझे वो ना ईमेल कर दें, तो उस पिक्चर के साथ लगा के ना तो मैं आपके चैनल को प्रमोट कर देती हूँ। वो करने की बजाय उनकी जो लास्ट वीडियो थी मैंने वो अपलोड कर दी, तो उस पर उन्हीं दोनों सिस्टर जो है, वो एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर जो है ना, मैं नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे उनके बारे में नहीं, मतलब उस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रही ना, तो वो टाइटल लगा हुआ था, थंबनेल लगा हुआ था, उन्हीं के बारे में बात हुई हुई थी। तो ऐसे आप सबको ये इमेज आया कि शायद मैं उस इशू में, तो नहीं नहीं मैं उनके इशू में ना नहीं जा रही हूँ। खैर, तो ये चीज हुई, अब ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट बात की तरफ। एक कमेंट ये भी आया था कि रिएक्शन चैनल से आपको डर नहीं लगता, अगर इन्होंने आपके बारे में वीडियोस बनानी शुरू कर दी तो आपको नहीं पता कि क्या क्या कुछ हो रहा है, तो आपके साथ क्या होगा। बस आप सब मेरे कंसर्न में कह रहे थे, लेकिन आज ना मैं सारे रिएक्शन चैनल्स के बारे में भी अपना ओपिनियन दूंगी। ओपिनियन दूंगी इस तरह से कि मैं डरती हूँ उनसे या नहीं, नहीं मैं नहीं डरती, मैं अल्लाह ताला के अलावा पहली बात किसी से नहीं डरती, दूसरी बात वो सारे इंसान हैं, वो कोई हैवान नहीं है, कोई वो मतलब वो नहीं है कोई के मतलब कि वो आपको क्या कर देंगे आपको। मैं मतलब कैसे एग्जांपल दूं, जैसे अशोक गुप्ता ने मेरे और दूसरे चैनल के बारे में वीडियो बनाई, तो बड़ी डिसेंट वे में बनाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने पर्पसफुली ऐसा कुछ नहीं किया था, और अगला जो बैठा जो बात कर रहा है इस टॉपिक पे वो भी तो समझदार है ना, उसने नोट कर लिया कि भी इसका मकसद कुछ किसी गॉसिप में आना नहीं था, इसने अपने पॉइंट पे बात किया, कमेंट्स का रिप्लाई किया, तो हर यूट्यूबर अपने कमेंट्स के रिप्लाई करते होते हैं, तो इसलिए नौश ने भी बस ऐसे ही किया, ये काम किया बस उसने नहीं आई उसमें, किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आई। तो इसी तरह बाकी रिएक्शन चैनल्स भी ऐसे ही हैं। जिस वक्त ये वाला फैमिली इशू ये जो अभी चला हुआ इतना ज्यादा, तो जब ये इशू इतना ज्यादा नहीं था तो उस टाइम पे ये रिएक्शन चैनल्स या तो थे ही नहीं, तो या अगर थे तो डिफरेंट डिफरेंट किस यूट्यूबर की कितनी इनकम है, और जो भी नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी को, इंडियन कोई इंग्लिश चैनल्स के इनकी कितनी इनकम है, ये मंथली कितना कमा लेते हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में ना मतलब डिटेल्स तो इस टाइप की होती है, मतलब अच्छी तमीज की वीडियोज होती थी। लेकिन वो पॉलिटिक्स इतने अलग लेवल की हो गई उस फैमिली की कि सारे रिएक्शन चैनल्स का भी ना एक लेवल ही अलग हो गया है। इसलिए मैं इनको कसूरवार नहीं कहती। अब इस चीज पे भी आएंगे कि कुछ लोगों ने कहा है, मेरी पूरी बात आपने सुननी है, ठीक है, अग्री करें ना करें वो आपका पूरा राइट है, आप मुझे बिल्कुल दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना कि मैं आपसे अग्री नहीं करती, आप गलत सोच रही है, नहीं सोच रही, सही सोच रही है, या मे बी मैं आपकी सोच चेंज कर सकूं, तो आप मुझे दिल खोल के जो कहना हुआ कहना। तो खैर, मेरा ओपिनियन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिएक्शन चैनल्स बैठे बैठे एक दूसरे के साथ इस तरह से शुरू हो जाते, इनके तो बाकायदा ग्रुप बन गए, एक पार्टी ए के साथ हो गए, एक पार्टी बी के साथ हो गए हैं, क्योंकि ये सब हर्ट हो गए हैं कि मतलब एक दूसरे को भी मिस्टेकनली टारगेट कर जाते हैं और पर्पज नहीं होता, फिर बाद में खुद ही क्लियर कर रहे होते हैं, तो मतलब ये चीजें। फिर कुछ लोगों ने मुझे ये भी लिखा कि ये रिएक्शन चैनल्स की वजह से ही ये गॉसिप खत्म नहीं हो रहा, ये रिएक्शन चैनल्स इन पर बात करनी बंद कर दें तो गॉसिप खत्म हो जाए। देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिफर करती हूँ, डिसएग्री नहीं कर रही, क्योंकि आप भी सही कह रहे हैं कि हाँ रिएक्शन चैनल्स भी इनको तवज्जो ना दें तो फिर ये सीधे हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो कर रहे हैं पहले वो तो बाज आए ना,
रिएक्शन चैनल्स हम पे तो नहीं बात करते, रिएक्शन चैनल्स अब मेरे बारे में और कुछ ना मिले तो वो बैठ के ये वीडियो बना रहे हो, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट आता है कि हमारे घर में प्रेशर कुकर को मांझ के धोया जाता है, तो अब मांझ के नहीं धोती है, तो हमारे घरों में कहा जाता है कि फोहड़ लोग औरतें जो होती है ना वो प्रेशर कुकर को मांझ के नहीं धोती, तो अब किसी रिएक्शन चैनल ने ये देख देख के नौश को ये तो बड़ा गॉसिप आता होगा, या कोई भी इस तरह का कहीं कहती है कि आप पतीले के ऊपर ढक्कन लगा के तो उसके ऊपर चम्मच रख देती है, तो ये जो है एक सलीकामंद औरत की निशानी नहीं होती। मुझे आप ये बताएं कि वो क्या मेरे बारे में ऐसी वीडियो बनाते हैं कि साबित हो गया कि नौश जो है वो बिल्कुल फोहड़ है, क्योंकि नौश जो है ना कुकर मांझ के नहीं धोती, या नौश जो है वो ढक्कन जो है पतीले पे लगा देती है क्या क्या है वो चम्मच जो है वो ढक्कन पे लगा देती है, तो मतलब वो भी फारिग लोग नहीं है, समझदार है सारे, और उनको पता है कि उन्होंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, तो इसलिए वो ऐसी ऐसे टॉपिक्स पे वो नहीं बनाते। देखें वो है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, तो जब हम कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा ना, दिस इज व्हाट अ रिएक्शन चैनल इज ऑल अबाउट। मेरा कॉन्सेप्ट रिएक्शन चैनल्स को लेके क्लियर है कि वो उनको हम एक्शन देंगे तो वो रिएक्ट करेंगे ना, हम एक्शन नहीं दे रहे तो हम भी तो कोई नहीं बात कर रहा, ये बात है असल में, तो वो तो बंद कर दें रिएक्शन चैनल्स, ठीक है बंद अगर कर दें वो एकदम से फुल स्टॉप लगा दें कि हम इनकी वीडियोस पे बात ही नहीं करेंगे तो कितनी देर तक ये करेंगे, लेकिन ये तो इनको थोड़ी पता था कि हमारी इस पॉलिटिक्स की वजह से रिएक्शन चैनल्स जो है वो हरकत में आ जाएंगे और इस तरह से ग्रुपिंग हो जाएगी और इतना सारा कुछ हो जाएगा, तो ये है कि ये लगे रहे थे तब तक लगी रही थी ये पार्टी ए कि जब तक ये सब कुछ क्रिएट नहीं हो गया, और उसके बाद उस चीज को प्रमोट करना कि हाँ भी पार्टी ए के सपोर्टर्स पार्टी ए के हेटर्स भी व्हाट इज दिस, आप लोग ये नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा ना सब कुछ, फिर हेटर्स फिर ये रिएक्शन वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स वालों की समझदारी आप यहां से देख लें, क्योंकि हमारी तरह ही है वो भी, कोई ये नहीं है कि वो कोई बिल्कुल उन्हें कोई सेंस नहीं है, वो ज्यादा मैं कहती हूँ समझदार है कि जिन्हें सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि अपने बारे में तो घर की बात तो वो नहीं निकालते कोई भी, मैं भी नहीं निकालती, कोई भी समझदार है वो अपनी घर की बातें निकाल के नहीं रखता, तो इसका मतलब है कि उन्हें सब पता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको एक बात और बताती हूँ इसी बारे में, आप देखें जब जैसे लोग कहते हैं कि ये कल ही कॉमेंट्स में कहा हुआ था कि ये तो गीबत हो जाती है, रिएक्शन चैनल्स जो है ना वो गीबत, देखें जैसे इमरान खान और नवाज शरीफ है ठीक है, उनके बारे में उनकी दो पार्टी बनी हुई है, तो जितने जर्नलिस्ट हैं वो एजुकेटेड हैं, उनकी डिग्री ही मतलब एजुकेटेड इन द सेंस के डिग्री ही उनकी जर्नलिज्म में है, तो उनको बात करनी आती है, उनको कैरी करना आता है वो मैटर, उनको पता है कि उन्होंने अपना कंडक्ट कैसा रखना है और मैटर को कैसे कैरी करना है ठीक है, तो वो उनका बात करने का तरीका उनको सारा उस चीज को लेकर चलने का तरीका ही एक अलग होता है, तो इसलिए कोई ये नहीं कहता कि वो गीबत है, तो देखा जाए तो वो पार्टीज को डिस्कस करें बातें करें भी तो हर चीज ही गीबत होगी, तो वो चीज है कि यहाँ पे क्या है कि घरेलू पॉलिटिक्स है, जिसको हम जैसे घरेलू लोग ही हैं, वो भी जो रिएक्शन चैनल्स हैं, जैसे मैं एक घरेलू औरत हूँ वो लोग भी घरेलू लोग हैं, तो अपने 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 स्टाइल से सारे उसके ऊपर बात करते हैं, तो उसमें जर्नलिज्म कहीं से नहीं आता, क्योंकि जर्नलिज्म हम में से किसी ने भी नहीं किया होता ना, अपनी अपनी डिग्री सबने ली हुई है, तो वो ये मुझे लगता है कि ये बात है, इस वजह से ऐसे लगता है कि गीबत हो रही है, वरना ये जो चैनल्स ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये आजकल जो पार्टी ए पार्टी बी वाली, तो ये हर घर में भी तो डिस्कस हो रही है, तो ये क्या गीबत ना हुई, वो अपनी गीबत आके चैनल पे वीडियो बना के कर लेते हैं। फिर एक और चीज ये भी थी कि ये तो हराम कमा रहे हैं तो उनको हराम को प्रमोट करना, तो देखिए हराम तो मेरे चैनल को भी लोग कहते हैं, इसलिए कि जब ये वाला पॉलिटिक्स और ये सब चीजें नहीं थी ना, उस वक्त ये कहा जाता था हमें कि आप जो हैं जो जो सर पे दुपट्टा नहीं लेते हैं वो हराम कमाते हैं, मैं तो कोरोना से डर के मैंने हिजाब शुरू कर लिया ना, वरना मुझे ये चीज एक पूरा साल डेढ़ फेस करनी पड़ी थी कि आपकी इनकम हराम है क्योंकि आप ना महरम के सामने आ जाती हैं ऐसे ही, सो मच सो कि जब मैंने हिजाब शुरू किया और मैंने अनाउंस किया कि मैं हिजाब क्या करूं क्योंकि मैं कोरोना से डर गई हूं, मैं कोरोना में मर गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक बेसिक सा मैं अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकी, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि आपने हिजाब तो कर लिया अब आप वीडियोज भी बनानी दें क्योंकि आपकी आवाज भी नामहरम पे हराम है, जबकि आजकल के जितने मुफ्तीज हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ये कहते हैं कि आप उठ के बिल्कुल बैठ जा सकते हैं जॉब कर सकते हैं, तो ये यूट्यूब भी जॉब ही है, एज लॉन्ग एज यू आर मॉडेस्ट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, और यहां तक कि वो कहते हैं कि अगर आपको जेंट्स के साथ जैसे ऑफिस एनवायरमेंट में होता है ना कि जेंट्स और लेडीज सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं तो डिनर्स करने हैं, बाहर डिनर अरेंज हुआ है कंपनी की तरफ से लोग जा रहे हैं वहां पे वो भी इकट्ठे अटेंड कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप वन ऑन वन नहीं मिल सकते, चाहे आपका बॉस अगर मेल
आप फीमेल हैं, तो वो उसने आपकी जो है वो इंक्रीमेंट लगाना है या आपके केपीआई जो है वो डिस्कस करने हैं, तो आप वन ऑन वन नहीं बैठ सकते, वो ये बोलते हैं। तो कहते हैं लेकिन उसके अलावा अगर आपके हस्बैंड परमिट करते हैं तो आप बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज थी। फिर उसके बाद हिजाब कर लिया तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जी जिनके वीडियोस में म्यूजिक होता है या जो म्यूजिक लगाते हैं एड लगाते हैं, आप सबकी इनकम हराम है। तो मतलब ये बहुत लोग होते हैं बताने वाले जिनकी वजह से मे बी आप लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट बन गया कि ये हराम कमा रहा है, वो हराम कमा रहा है। उस तरह से आई थिंक हम पे सभी हराम कमा रहे हैं। मेरी वीडियो में म्यूजिक भी होता है, मेरी वीडियो में जो है वो एड्स भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ मौलवीज ऐसे हैं, मुफ्तीज ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ये हराम नहीं है, क्योंकि ये म्यूजिक किसी को क्या कहते हैं कि किसी की फीलिंग्स अराउज करने के लिए नहीं ऐड किया जा रहा है, ये म्यूजिक जस्ट बैकग्राउंड देने के लिए कोई थोड़ी सी ऐड किया जा रहा है, या वो जो एड्स हैं वो बिल्कुल भी टेम्पटिंग या अराउजिंग नहीं होते हैं, वो जस्ट एक एड है, तो इसलिए ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ मुफ्ती ये भी कहते हैं कि नहीं, म्यूजिक हर तरह का बिल्कुल मना है और म्यूजिक वाले इनकम नहीं है, वो हराम है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सारे ही कौन कौन यार बीच में फिर दूध का धुला हुआ, किसकी इनकम हलाल हुई फिर बीच में। तो ये चीज है ना, कई कई जो अरबी यूट्यूबर्स हैं वो अपना ना फेस दिखाती हैं, हाथों पे भी ग्लव्स पहन के इतने इतने हाथ दिखाती हैं और वो खाने पका रही हैं, लेकिन वो भी अपनी वॉइस ओवर कर रही हैं, तो फिर तो वो भी हराम हो गया। बस चुप करके काम करती रहे, नजर कुछ ना आने दें। मैं कहती हूँ उनसे ज्यादा तो ये चीनी जापानी जो अपने व्लॉग्स बनाती हैं, शक्ल नहीं दिखाती और आवाज भी नहीं लाती, बस सब टाइटल्स लिखे होते हैं, तो सबसे ज्यादा हलाल इनकम उनकी होगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सो मैं जो है ना रिएक्शन चैनल से इसलिए नहीं डरती कि वो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है कि किस चीज पे वीडियो बनानी है, किस चीज पे नहीं बनानी। रिएक्शन चैनल वो अपने आप को कहते इसलिए कि वो एक्शन का रिएक्शन देते हैं। और दूसरी बात रही ये कि वो कोई खौफनाक लोग हैं, तो नहीं, वो कोई एलियंस नहीं है, हमारी तरह वो भी इंसान है, हमारी तरह वो भी मुसलमान है, कोई इंडिया से होंगे, वो हिंदू होंगे, मैं कहने का मतलब ये सब इंसान है, तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये कि प्रमोट मैं आगे भी आप लोगों को करती रहूंगी, तो ये है जी। तो अब ये सारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आपको खुली इजाजत है, आप जो मर्जी कमेंट लिखें, और मुझे तो अब आप में से ज्यादातर के कमेंट, ज्यादातर क्या, किसी के भी नहीं डिलीट करने पड़ रहे थे उन वीडियो उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे, कि सारे बड़ी रिस्पेक्टफुली अपनी बात कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और बस अब ये सारा मेरा ओपिनियन सुनने के बाद अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, तो फिर आप जरूर जो है ना वो जाके तो शगुफ्ता के चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, ये चीज़ है। बाकी खैर आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हार्डली कुछ एडिट करूंगी, जो दिल की बात थी आप सबसे की है, और आप सबका वंस अगेन बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं, और आप लोग जो है वो सहारा बनते हैं बहुत से यूट्यूबर्स का, के जो मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है, हाँ एक और क्वेश्चन लास्ट दिन में आ गया कि ये भी इस बात पे आ जाए कि रिएक्शन चैनल्स तो बहुत सारे इस फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से बने हैं, तो मुझे नहीं ऐसे लगता कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बन गए हैं। वो ये कि जब ये लोग, इनके इतने व्यूज आ रहे हैं, इनकी इतनी अर्निंग हो रही है, और एक फैमिली आपने इस्टेब्लिश होती देखी है विद इन अ ईयर, कहाँ से कहाँ उनको जाते देखा है, क्योंकि उनके व्यूज आ रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, तो फिर जो लोग अपने अपने चैनल्स पे थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे थे और उनको व्यूज नहीं मिल रहे थे क्योंकि सारा का सारा जो मतलब अटेंशन वहीं पे थी, तो फिर वो भी उसी चीज का हिस्सा बन गए हैं, ये हो गया ना। तो मैं किसी को भी नहीं कसूरवार कहती, मैं किसी को भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ना मैं इनिशिएटर को कसूरवार कहती हूँ, दैट्स इट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ इनिशिएटर, वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस, फॉर ऑल ऑफ दिस, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई एक बंदा और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप में से किसी को भी मेरी बात हर्टफुल लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, और अगर अच्छी लगी है तो ठीक है, उसको फॉलो कर लें। अगर किसी का माइंड चेंज हुआ है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स को ना खाम खाम है, वो एक ना क्या कहते हैं कि एक उनका इमेज खराब हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। खैर ये है, चलें थक गई हूँ बोल बोल के, उफला आधा घंटा हो गया, चलें इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।